सारेगामा कारवा मिनी भक्ति। आइए अब हम पूजन विधि शुरू करते हैं। सबसे पहले पूजा के स्थान और सामग्री को गंगा जल का छींटा देकर शुद्ध करें। अब जिस जगह भगवान को बिठाएंगे वहां नीचे अबीर, कुमकुम और हल्दी से रंगोली बनाएं। उसके बाद चौकी स्थापित करें और उसके ऊपर पीला वस्त्र बिछा दें। इसके बाद चौकी के चारों कोनों पे केले के पत्तों के खंभे बांध लें और मौली से उसका मंडप तैयार करें। इसके बाद श्री सत्यनारायण जी की तस्वीर या मूर्ति चौकी पर स्थापित करें। मूर्ति के सामने चावल से चौकी पर स्वास्तिक बनाएं, कलश लें, उस पर पहले मौली बांधें, उसमें जल भर कर रख दें, फिर उसमें गंगा जल, सुपारी, सिक्का, हल्दी, कुमकुम ये सारी चीजें डाल दें। अब उसके ऊपर आम के 5 पत्ते रख कर नारियल पर भी मौली लपेट कर रख दें। मूर्ति या तस्वीर के दाहिनी तरफ मतलब राइट हैंड साइड पर एक दीपक घी से भरा रख दें। याद रखिएगा अभी नहीं जलाना है। पूजा के लिए चौकी तैयार है। आइए पूजा शुरू करें। सबसे पहले आसन ग्रहण करें और आचमन लें। पहले बाएं यानी लेफ्ट हाथ से जल लें और दाएं यानी राइट हाथ में डालें। दोनों हाथों को शुद्ध करें, फिर अपने दाएं हाथ में जल लें और 3 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः कहकर जल पिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इसके बाद अपने हाथ धो लें और फिर अपने परिवार वालों को भी जल पिलाएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अब रखे हुए घी के दीपक को जला दें। अब अपने आप को तिलक लगाएं और अपने परिवार को तिलक लगाएं। अब हाथ में अक्षत और पुष्प लेकर संकल्प लें कि मैं हितेन शुद्ध कर्म धर्म से आपकी पूजा करने जा रहा हूं। इस पूजा का फल मुझे मेरी मनोकामना के अनुसार मिले। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः बोलकर अक्षत और पुष्प को सत्यनारायण भगवान की मूर्ति के सामने छोड़ दें। अब तुलसी के पत्ते से भगवान के चरणों में पंचामृत छोड़ें, फिर हल्दी कुमकुम श्री सत्यनारायण भगवान के चरणों में छोड़ें। छोड़ने के बाद कुमकुम का टीका तस्वीर पर लगाएं और जनेऊ चढ़ाएं। उसके बाद सत्यनारायण जी को पीले फूलों वाली माला पहनाएं और इसके बाद 108 तुलसी के पत्ते एक एक करके चढ़ाते हुए बोलें, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। फिर इत्र छोड़ दें और अगरबत्ती दिखाएं। अब तेल वाला दिया जलाएं और उन्हें भगवान को दिखाकर चौकी के नीचे सामने रख दें। अब आपने जो भी प्रसाद बनाया है वो भगवान को चढ़ाना है। प्रसाद में एक तुलसी का पत्ता विशेष रूप से रख दें। एक चम्मच पानी लें और प्रसाद के ऊपर घुमाकर नीचे छोड़ दें। फिर फल और कुछ दक्षिणा तस्वीर के आगे रख दें। अब हाथ में पीला फूल और तुलसी के पत्ते लेकर भगवान से प्रार्थना करें कि हमसे इस पूजा विधि में अगर कोई गलती हो गई हो तो प्रभु क्षमा करें। ये मन ही मन बोलें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का उच्चारण 3 बार जोर से करते हुए भगवान के चरणों में फूल
और तुलसी छोड़ दें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अब अपने हाथों में तुलसी के पत्ते लें और पूजा में जितने भी लोग शामिल हैं सबको तुलसी के पत्ते दें और उसके बाद सत्यनारायण की कथा पुस्तक से पढ़ें। एक समय नई मिसारंग तीर्थ कथा पढ़ते समय हाथों में तुलसी के पत्ते रखें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कथा समाप्त होने के बाद तुलसी के पत्ते भगवान के चरणों में छोड़ दें। अब आरती के लिए कपूर और घी का दीपक जलाएं और घंटी शंख बजाकर आरती करें। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे दुख बिन से मन का स्वामी दुख बिन से मन का सुख संपत्ति घर आवे सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। अब आरती करने के बाद स्वयं आरती लें और अपने परिवार को आरती दें। आरती की थाली सत्यनारायण जी की तस्वीर के पास रख दें। एक चम्मच पानी लेकर आरती के ऊपर से घुमाएं और नीचे छोड़ दें। अब परिवार को प्रसाद दें और स्वयं ग्रहण करें। कुछ लोग संध्याकाल में आरती के बाद सबके साथ मिलकर भजन कीर्तन भी करते हैं। जगदीश हरे। भक्त जनों